To become a better leader of tomorrow in just a short amount of time, subscribe to our Archmani Cliff channel. Gen Z कैसे different है millennials? एक हमें समझना चाहिए जो Gen Z का हम definition देखते हैं, जो theoretical definition है कि 1997 to 2012 born. अगर आप born between 1997 and 2012 है, I think इसको broadly Gen Z कहा जाता है broadly. Okay. I saw it was 1995 in post. हाँ हो सकता है, मतलब नहीं 2012 तक है क्योंकि उसके बाद Gen A आता है. हाँ तो वो 15-20 साल का रेंज है. तो 97 टू 12 वो सेम है, 15 साल का. एक हमें समझना चाहिए कि ये Gen Z होमोजेनियस नहीं है, उनमें बहुत डिफरेंसेस है. अ Gen Z बॉर्न इन 2008 वर्सेस अ Gen Z बॉर्न इन 2000, जमीन आसमान का फर्क होगा. मिलेनियल्स में ये नहीं होता है. अ मिलेनियल हु से 44 वर्सेस अ मिलेनियल हु 36, बहुत सिमिलैरिटीज होंगी. Gen Z में जैसे 8 साल का फर्क है, बहुत अलग होगा. तो Gen Z एक ऐसी क्लस्टर है और हिस्ट्री ऑफ जनरेशंस में देखा गया है कि हर एक तो साल डिफरेंस ऑफ बर्थ में थिंकिंग वास्टली बदलती है, वास्टली बदलती. आपने पूछा कि Gen Z क्या अलग है, कैसे अलग है. एक हमने देखा है कि Gen Z में डिफरेंस होता है वो बात किसकी सुनते हैं. आपके और मेरे, आपके टाइम पे नहीं, मैं मिलेनियल हूँ, मेरे टाइम पे सेलिब्रिटीज यूज टू मैटर अ लॉट. कि किसी ने, किसी मूवी स्टार ने कह दिया तो मैं जाके खरीद लूँगा. फिर आए इन्फ्लुएंसर्स, जो आपको पता ही होगा इन्फ्लुएंसर्स आए और Gen Z इन्फ्लुएंसर्स को पसंद करते हैं क्योंकि उनको लगता है वो ऑथेंटिक है, मेरे लिए फ्री में कर रहे हैं. तो Gen Z स्टार्टेड लिसनिंग टू इन्फ्लुएंसर्स, मिलेनियल स्टार्टेड लिसनिंग टू सेलिब्रिटीज बाय एंड फार, और ऑथेंटिसिटी का एंगल था. ये एक डिफरेंस है. Gen Z आगे जो करने वाला है, जो अभी ट्रेंड दिख रहा है चाइना में, वो वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स की ओर जा रहे हैं, ह्यूमन इन्फ्लुएंसर्स नहीं. उनको वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं. तो वो एक डिफरेंस है, वो बात किसकी सुनेंगे. हम लोग सेलिब्रिटी की सुनेंगे, वो लोग आज जो ओल्डर Gen Z है ह्यूमन इन्फ्लुएंसर की बात सुनेंगे, यंगर Gen Z है वो वर्चुअल इन्फ्लुएंसर की बात सुनेंगे. ये एक बहुत पैटर्न है. सेकेंड है, और मेरे को शायद बोलना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, मैं ट्रोल्ड हो जाऊँगा. जो Gen Z कहती है और जो Gen Z करती है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है. क्यों? सो फॉर इंस्टेंस, अगर आप रिसर्च में देखेंगे, इंडिया की बात करूँ, इमर्जिंग मार्केट्स की बात करूँ, बहुत Gen Z कहती हैं कि हमें एनवायरनमेंट मैटर करता है, सस्टेनेबिलिटी मैटर करता है. बट अगर आप परचेज डिसीशन में देखेंगे, वो टॉप थ्री वैल्यूज़ में आता ही नहीं है. टॉप थ्री वैल्यूज़ में वही तीन चीज़ें आती है, वैल्यू / ब्रांड, प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन. सस्टेनेबिलिटी का कुछ इसमें इक्वेशन ही नहीं है. तो जो वो लोग कहते हैं और जो वो लोग करते हैं, उसमें कभी कभी ज़मीन आसमान का फ़र्क है. तो जस्ट बिकॉज somebody आपको कुछ कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं है वो जाके करने वाला है. ये समझना बहुत ज़रूरी है. तो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक सोशल एक्सपेरिमेंट मैंने किया था. दो पेयर्स ऑफ जीन्स हैं, ठीक है, दो डेनिम जीन्स हैं, दोनों आइडेंटिकल है. एक पेयर ऑफ जीन्स है, सेम है, फिट है, कलर, क्रॉथ सब सेम है. एक मैं जाके कहूँगा कि ये जीन्स 2000 रुपये का है और ये एनवायरमेंटली अच्छा है, मतलब जिस गरीब बच्चे ने, कोई गरीब बच्चा नहीं होगा चेन में, पानी के लिए अच्छा है, अर्थ के लिए अच्छा है, ये 2000 रुपये का है. ये सेम जीन 1500 रुपये का है, बट इसमें चाइल्ड लेबर होगा बांग्लादेश का, इसमें पानी कंजम्पशन हुआ होगा, थोड़े केमिकल्स होंगे. ये मैंने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया था, 95% पीपल वॉन्टेड द 1500 रुपी जीन. तो वॉट जेन, और ये मेरा एक अकेला एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, वेल डॉक्यूमेंटेड है, कि जो Gen Z कहती है और जो Gen Z करती है बहुत अलग है. ये समझना बहुत ज़रूरी है लोगों का. जस्ट बिकॉज अ Gen Z इज टेलिंग यू समथिंग, दे डोंट डू इट. अनदर थिंग इज, Gen Z बहुत शार्प है, जो हमारी जनरेशन पिकअप नहीं करती है, कि आप सच बोल रहे हो कि आप झूठ बोल रहे हो, ये वो फटाक से पकड़ लेती है. अगर कंपनी आके बोल रही है मैं आपके लिए सोचता हूँ, मैं फेयर सिटीज़न हूँ, मैं चाहता हूँ कि आई वॉन्ट टू इम्प्रूव द वर्ल्ड, बट अगर आप वो कर नहीं रहे हो, वो पकड़ लेगी और बॉयकॉट हो जाएगा. दे सी थ्रू बुलशिट, दे सी थ्रू BS. इट्स कॉल्ड ग्रीन वॉशिंग, भी एक टर्म है, दे सी थ्रू ऑल ऑफ इट. तो इफ़ यू आर अ कंपनी, समटाइम्स इट मेक्स सेंस टू गो टू अ Gen Z एंड से, ये मेरा वड़ा पाव है, ये तेल में बना है बट बहुत टेस्टी है और 10 रुपये का है, खरीद लेगी.
बट अगर आपने बोला ये वड़ा पाव है, इसमें ऑलिव ऑयल है, इसमें सॉल्ट कम है, इसमें शक्कर नहीं है, मिर्च नहीं है, बट अगर वो बकवास लगा कभी नहीं बिकेगी। तो जेंजी के साथ ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसमें बकवास करने की ज़रूरत नहीं है और हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ ऊपर नीचे है बोलना ज़रूरी है, मैंने घी लगाया है, घी है इस प्रोडक्ट में, जेंजी ले लेगी। सो द ऑथेंटिसिटी ट्रूथ ऑल ऑफ दिस स्टार्ट्स मैटरिंग अ लॉट टू जेंजी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप टिल द एंड। फॉर मोर सच अमेजिंग इनसाइटफुल क्लिप्स प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल।